अगर आप वाइट फ्लाई, सूट बोरर या फिर फ्रूट बोरर से परेशान हैं, यानी कि आप वाइट फ्लाई व तना छेदक से परेशान हैं, जो कि लगभग सब्जियों के अंदर खास करके अगर मैं बात करूं तो बैंगन की, भिंडी की व मिर्च के अंदर ये जो बीमारी है वो एक आम तरह से देखने को मिलती है, क्योंकि वाइट फ्लाई और जो फ्रूट बोरर है उसका जो अटैक है वो ज़्यादा मात्रा के अंदर देखने को मिलता है। वाइट फ्लाई का अटैक जैसे कि अभी कॉटन की क्रॉप स्टार्ट होने वाली है तो उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा के अंदर आता है। हम क्या करें कि 2-3 साल से अगर कोई टेक्निकल यूज़ कर रहे हैं लेकिन उस टेक्निकल से वो जो बीमारी है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो कृपया करके अपना जो टेक्निकल है उसको चेंज जरूर करें। तो आज मैं ऐसे 2 टेक्निकलों के कम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसे एक बार यूज़ करके देखोगे तो हो सकता है कि आपके यहाँ वो जो समस्या है वो दूर हो जाए। किसान साथियों, अगर कोई किसान साथी ये जो मैं दवा बताऊँगा उसे 2 साल से यूज़ करता आ रहा है लेकिन फिर भी उसे कोई खास मात्रा के अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कृपया करके उसे 3री बार यूज़ ना करें, आप कोई अदर जो टेक्निकल है उसको चेंज कर दें। किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सुमिटोमो कंपनी की सुमी प्रिंपट के बारे में, जिसके अंदर टेक्निकल दिया जाता है अपना पेरीफ्लोक्सिपिन 5% EC, जो कि लेनो के अंदर आता है अपना 10% फॉर्मुलेशन के अंदर, लेनो कॉटन के अंदर ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। प्लस सुमी प्रिंपट में क्या है कि पेरीफ्लोक्सिपिन के साथ में फिनाप्रोपेथ्रिन 15% EC फॉर्मुलेशन के अंदर दिया हुआ, यानी कि इमल्सिफाई कंसनट्रेट। ये जो टेक्निकल है वो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करते हैं। किसान साथियों, पेरीफ्लोक्सिपिन जैसा कि आपको पता ही होगा पायरिडिन ग्रुप से आता है, जो कि एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। इसका जो काम करने का तरीका है वो बड़ा ही अजीब है। ये इंसेक्ट के अंदर एज ए ग्रोथ रेगुलेटर काम करता है। रेगुलेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, रेगुलेटर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ को बढ़ा भी सकती है, किसी चीज़ को कम या फिर बंद भी कर सकती है। तो ये क्या करता है कि इंसेक्ट की जो ग्रोथ है उसको रोक देता है। किसान साथियों, ट्रिन व पायरिडिन ग्रुप का कम्बिनेशन होने के कारण ये जो दवा है वो कीट के चारों तरह की जो स्टेज होती है उसे ये आसानी से कंट्रोल कर लेती है, जैसे कि एग, लार्वा, प्यूपा व अडल्ट। किसान साथियों, अगर किसी कीट ने अंडा दे दिया है तो ये क्या करता है कि अंडे की जो हैचिंग है उसको भी रोक देता है, यानी कि अंडे से जो बच्चा है उसको बाहर नहीं आने देता। किसान साथियों, इस दवा के जो टेक्निकल है उसमें एक जो मैंने आपको बताया कि थ्रिन ग्रुप है, ये एक सिंथेटिक जहर है। इस दवा को प्रयोग करते समय आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, इसकी जो डोज है वो आपको 1.5 ml से लेकर 2 ml प्रति लीटर यानी कि पानी के हिसाब से डालनी है। किसान साथियों, अगर आप इसकी डोज को ज़्यादा डाल देते हो और जो पानी की मात्रा है उसको कम कर देते हो तो ये वहाँ पर आपकी जो फसल है उसको जला भी सकता है, जो फसल है उसको स्ट्रेस के अंदर लेकर आ सकता है, जिसके कारण जो फसल है वो आपकी जो पत्तियाँ हैं वो गिराने लग जाएगी। ये जो समस्या है वो काफ़ी बार देखने को मिलती है। फार्मर क्या करता है कि इसकी जो डोज है उसको बढ़ा देते हैं और जो पानी की डोज है उसको कम कर देते हैं, तो कृपया करके ऐसा ना करें। 1.5 ml से लेकर 2 ml जो है इसका जो प्रयोग है प्रति लीटर पानी के हिसाब से वो आपको करना है, और कोशिश करें कि जो स्प्रे है वो शाम के टाइम ही करें, ठंड के समय करें, सबसे बेस्ट रहती है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो किसान साथियों मैं आपको एक आइडिया बता सकता हूं, करीबन 1500 रुपये के आसपास या फिर 1400 रुपये के आसपास प्रति लीटर आपको ये जो दवा है वो मार्केट के अंदर मिल जाती है। रेट कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। कृपया करके नीचे कमेंट करें ऐसे फार्मर जिन्होंने इस दवा को यूज़ किया है, आपको जो रिजल्ट है वो कैसा लगा है, किस क्रॉप के ऊपर किया है और किस पर्पज़ के लिए किया है, तो कृपया करें नीचे कमेंट करें ताकि किसानों को एक थोड़ी सी जो आसानी है इस दवा के बारे में वो और हो जाए। धन्यवाद किसान साथी।